आजादी के आंदोलन के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने समृद्ध भारत का सपना देखा था। आज हर भारतीय उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। भारत ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक खुद को भारत विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के हमारा देश आगे बढ़ा। इसलिए आज का भारत अभूतपूर्व स्केल, स्पीड और सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। भारत में किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। सुनाऊं? भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और 250 मिलियन मतलब ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और यूके की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दस साल में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए हैं और हम 30 मिलियन और घर बनाने वाले हैं। और अगर पोलैंड में आज 14 मिलियन हाउसहोल्ड है तो हमने सिर्फ एक दशक में करीब 3 नए पोलैंड बसाए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। 10 साल में भारत में 500 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। ये संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बराबर ही हर रोज भारत में यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा भारतीयों को सरकार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है। पिछले एक दशक में भारत में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यानी यूरोप और यूएसए की पॉपुलेशन को मिला दे करीब उतने लोग आज भारत में ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं।
दशक में करीब 7 लाख किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर 70 बार चक्कर लगाने जितना है। भारत ने 2 साल के भीतर ही देश के हर जिले तक 5G नेटवर्क पहुंचाया है। अब हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं।